नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक सर्कुलर 3 जुलाई 2019। इस सर्कुलर के अंतर्गत जो भी सोसाइटी का कामकाज के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट किया अंडर सेक्शन 77A या 78 के अंतर्गत, जिनका कामकाज में बहुत सारा कंप्लेंट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास आया है, हालांकि इलेक्शन बराबर न करना, जो कामकाज जिस तरह से करना वो हिसाब से नहीं करना, और इसके लिए जो ऑथराइज्ड ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है उनका कामकाज किस तरह से होना चाहिए, उसके लिए किस तरह से रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, इसके लिए एक सर्कुलर 3 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जारी किया। इस सर्कुलर में खास करके एडमिनिस्ट्रेटर को ये बताया गया कि ऑथराइज ऑफिसर को ये बताया गया, पहली बार उन्होंने अपना बायलॉस जो सोसाइटी के अंदर उनको अपॉइंट किया उनका बायलॉस एडॉप्टेड है या नहीं है, लेटेस्ट मॉडल बायलॉस एडॉप्ट किया कि नहीं किया। यदि उन्होंने मॉडल बायलॉस को एडॉप्ट नहीं किया तो पहला काम उनका ये होगा कि उनको बायलॉस एडॉप्ट करके लेना है। दूसरा कामकाज ये होगा कि एक बार बायलॉस एडॉप्ट होने के बाद तो उनका वोटर का लिस्ट बनाने का प्रक्रिया चालू करना चाहिए। जब वोटर लिस्ट बनाते हैं उसमें ये देखना चाहिए कि उनका आई फॉर्म रजिस्टर में या उनका जे फॉर्म रजिस्टर में उसी तरह से शेयर सर्टिफिकेट में उनका नाम है या नहीं है। जिनका नाम है उन्हीं को हमें शेयर सर्टिफिकेट वोटर लिस्ट में लेना है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि जो डिफॉल्टर्स का लिस्ट जो बनाना चाहिए, डिफॉल्टर्स की लिस्ट न बनाने की वजह से बहुत सारा सोसाइटी में इलेक्शन के टाइम भी झगड़ा होता है, वो पारदर्शिता नहीं होता है, उसके लिए वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वोटर लिस्ट के साथ साथ डिफॉल्टर लिस्ट भी अच्छे तरह से बनाना चाहिए। और चौथा महत्वपूर्ण है, जो डिफॉल्टर है उनके ऊपर कार्रवाई भी करना चाहिए। इस सर्कुलर में ये भी बताया गया कि यदि रजिस्ट्रार को जो भी कालावधि है उसके अंदर जो रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया या ऑथराइज ऑफिसर को अपॉइंट किया वो कालावधि को बढ़ाने का प्रावधान इस कायदा में नहीं है, इसके लिए जो भी कालावधि 6 महीने का उनको ऑथराइज ऑफिसर को दिया उस दरमियान उन्होंने ये सब कामकाज करना चाहिए, इसका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और वोटर लिस्ट करते हुए जो इलेक्शन का नियम के हिसाब से और महाराष्ट्र को सोसाइटी एक्ट के हिसाब से उनको कार्रवाई करना चाहिए। जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके लिए एक्टिव मेंबर और नॉन एक्टिव मेंबर बनाने का जरूरी नहीं है, लेकिन अदर देन हाउसिंग सोसाइटी जो है, जैसे कि क्रेडिट सोसाइटी है या कंज्यूमर सोसाइटी है, बैंक्स है, उधर आपको एक्टिव मेंबर एंड नो एक्टिव मेंबर का जरूरी है। देखिए, आपको पता होगा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में नया चैप्टर अभी इंट्रोड्यूस किया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। इस चैप्टर के हिसाब से अभी एक्टिव मेंबर और नॉन एक्टिव मेंबर हाउसिंग सोसाइटी में लागू नहीं है। अभी हाउसिंग सोसाइटी में 4 प्रकार का मेंबरशिप दिया हुआ है, जो कि मेंबर है जिनका नाम शेयर सर्टिफिकेट में, उसी हिसाब से प्रोविजनल मेंबर्स है और जॉइंट मेंबर है और एसोसिएट मेंबर दिया है। तो एसोसिएट मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट में होना जरूरी नहीं है, उसको मूल मेंबर ने ऑथराइज करना चाहिए और उसी हिसाब से वो 100 रुपये भर के एंट्रेंस भी कर सकते हैं और उसके बाद वो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है। इस तरह का एक एसोसिएट मेंबर तो हमारा नया कायदे में बताया गया। इस तरह से इलेक्शन करते टाइम ट्रांसपेरेंसी रखना और फ्री एंड फेयर होना, ये पूरी तरह से जो कामकाज करने का जिम्मेदारी जो है इलेक्शन ऑफिसर के पास भी है, ऑथराइज्ड ऑफिसर के ऊपर भी रखा है, और इसका नियंत्रण करना जो जिम्मेदारी जो है उसका रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार को इस सर्कुलर के हिसाब से दिया है। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए आप हमारा एसोसिएशन में संपर्क कर सकता है, जिसका अध्यक्ष मैं हूँ, महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन, और हमारा दूरध्वनि क्रमांक है 0224255414 या 0224255145। आप यदि अलग अलग सेमिनार करना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं हमारा एसोसिएशन, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।